जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टाटा मोटर्स ने टाटा टियागो को सीएनजी में भी लॉन्च कर दिया है। और आज के इस वीडियो में हम टाटा टियागो सीएनजी के बेस मॉडल्स यानी कि एक्सई और एक्सएम के बीच कंपैरिजन करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कंपेयर करो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस डिफरेंस की। तो टियागो सीएनजी के बेस मॉडल एक्सई से एक्सएम के बीच आपको अपग्रेड करने पर करीब 30,000 रुपए का एक्सशोरूम कॉस्ट पर और 33,000 रुपए का ऑन रोड कॉस्ट पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और इस 33,000 रुपीज के ऑन रोड कॉस्ट डिफरेंस पे आपको करीब 7 डिफरेंसेस मिलते हैं इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस आता है म्यूजिक सिस्टम का। टियागो सीएनजी के एक्सएम वेरिएंट के अंदर आपको 8.89 सेंटीमीटर का हरमन वाला डुअल डिन मैनुअल म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर आपको एएम एफएम यूएसबी और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जबकि बेस मॉडल एक्सई के अंदर आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया। दूसरा डिफरेंस आता है स्पीकर्स का। एक्सएम वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 2 स्पीकर दिए गए हैं, जबकि बेस मॉडल एक्सई के अंदर आपको कोई भी स्पीकर नहीं मिलता। तीसरा डिफरेंस आता है पावर विंडोज का। एक्सएम वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर यानी कि चारों पावर विंडोज दी जाती हैं, जबकि बेस मॉडल एक्सई के अंदर आपको कोई भी पावर विंडो नहीं मिलती। चारों ही विंडोज आपको मैनुअल टाइप की ही दी गई है। चौथा डिफरेंस आता है सेंटर लॉकिंग का। तो एक्सएम वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल सेंटर लॉकिंग प्रोवाइड की गई है, जबकि एक्सई वेरिएंट के अंदर आपको सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती। पांचवा डिफरेंस आता है इनसाइड रियर व्यू मिरर का। तो एक्सएम वेरिएंट के अंदर आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर मैनुअल टाइप का मिलता है, जिसको आप डे और नाइट में एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि एक्सई वेरिएंट के अंदर आपको जो इनसाइड रियर व्यू मिरर दिया गया है वो नॉर्मल टाइप का मिलता है, इसको आप डे नाइट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। छठा डिफरेंस आता है पार्किंग असिस्ट का। एक्सएम वेरिएंट के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ रिवर्स पार्किंग डिस्प्ले भी मिलता है। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है, सेंसर का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि म्यूजिक सिस्टम के स्क्रीन के ऊपर आपको मेंशन होता है ग्राफिक टाइप से, जबकि एक्सई वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ सेंसर ही दिए गए हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, तो इसका ग्राफिक डिजाइन आपको सिस्टम के अंदर नहीं मिलते। दोस्तों प्लीज नोट, हमने यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात नहीं करी है, यहाँ पर हमने डिस्प्ले की बात करी है, जो कि इन्फोग्राफिक डिस्प्ले के तौर पर आपको देखने को मिलता है। पार्किंग कैमरे का व्यू अलग आता है और डिस्प्ले का ग्राफिक डिस्प्ले अलग, तो दोनों के बीच कंफ्यूज नहीं होना है। और सातवां डिफरेंस है कलर ऑप्शंस का। एक्सई बेस मॉडल के अंदर आपको सिर्फ 2 कलर के ऑप्शन मिलते हैं, जिसके अंदर आपको रेड और ब्लू कलर ही दिया गया है, जबकि एक्सएम वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 5 कलर के ऑप्शन मिलते हैं। इन 2 कलर के अलावा रेड और ब्लू के अलावा आपको व्हाइट, ग्रे और मिडनाइट पल्म भी ऑफर किया गया है। तो दोस्तों यही 7 डिफरेंसेस हैं इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। तो उम्मीद करते हैं अब आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंपेयर करो।